विनायक मेटे का बीड में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, सीएम शिंदे रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को देश के लिए चुनौती बताया, पर दूसरे दलों के वंशवादियों को गले लगा रही है बीजेपी। कोरोना के मामलों में भारी गिरावट, 15,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ, 29 लोगों की मौत 24 घंटे में। घटेगा दिल्ली से मुंबई और पटना के सफर का वक्त, शुरू हुआ नई योजना पर काम। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से मचा हाहाकार, जल प्रलय से चारों ओर पानी ही पानी, सड़कों से संपर्क टूटा। मुंबई में एसी लोकल ट्रेनों को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स, अब सेंट्रल रेलवे ने की बड़ी घोषणा। महाराष्ट्र में वंदे मातरम को लेकर विवाद, रजा एकेडमी ने जताया विरोध। बेस्ट की 1 रुपए की स्वतंत्रता योजना अगस्त के अंत तक बढ़ाई गई। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आभूषण की दुकान चलाता है आरोपी। मुंबई में डेटिंग ऐप पर पहले महिला से की दोस्ती, फिर शादी का वादा कर साइबर अपराधी ने ठग लिया 8 लाख। शिवसेना विधायक संतोष बांगर की दादागिरी, कैटरिंग मैनेजर के साथ की गाली गलौज, फिर जड़ा थप्पड़। ईडी और सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से जुड़ा है मामला। अकादमी विरोध केला असेल तर लोकशाही मध्ये त्यांना वंदे मातरमच्या संदर्भात भाव व्यक्त करण्याचा जसा अधिकार आहे, तसे या महाराष्ट्राच्या देशावर प्रेम करणाऱ्या, स्वातंत्र्यवीरांचं नमन करणाऱ्या, स्वातंत्र्यवीराच्या ओठातल्या या पवित्र शब्दाला वापरण्याचा अधिकार, उपयोगात आणण्याचा अधिकार हा सर्व महाराष्ट्राच्या जनतेला, रझा अकादमीला त्यांची भूमिका मांडता येईल, पण या महाराष्ट्राच्या जनतेला त्यांची भूमिका आपल्या संवादातून व्यक्त करता येईल, त्याला विरोध करण्याचा अधिकार हा रझा अकादमीला दूर दूरपर्यंत नाही।